कुरान इसकी बुनियाद है। बिना कुरान दे किस तरह पहचानिया जाए मुसलमान की है ते ईसाइयत की है। तीजा धर्म है इस दुनिया दे सब तो वड्डा वो है बौद्ध। पूरा ईस्टर्न कंट्रीज बौद्ध ही है, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो बौद्ध धर्म की है इसकी पहचान तो बुद्ध दे जेड़े धर्म ग्रंथ हैं, धम्मपद उन्हां दा नाम है, उतों ही पहचानिया जाता है। चौथा धर्म है हिंदू। हिंदू धर्म की है, वेद, गीता, रामायण, इस दे राही पता चलता है हिंदू धर्म की है। ते पंजवां धर्म है सिख। सिख की है, सिखी की है, इसनों जानन दे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बुनियाद है। तो जितने वड्डे धर्म हैं पहले चार, इन्हां दे मुकाबले दे च सिर्फ ते सिर्फ सिखां कोल माण है। जो गुरुआं ने जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी दे च लिखिया है वो उन्हां दी अपनी ही लिखित है, किसी भी होर धर्म ते धर्म ग्रंथ दे बनाण वालियां दी अपनी लिखित नहीं है, ये पक्का समझना। ये मैं इस वास्ते कह रहा, दास अक्सर एक बेनती करता हुंदा, जिसका माण हुंदा है उसे नाले जुड़न दे च चंगा लगता है, जिसका माण नहीं हुंदा उसके कोल बैठन दे च भी आदमी नूं बेइज्जती महसूस हुंदी है। जदों कोई किसी नाले टुटदा है या तोड़दा है तो उस तो पहले यही होंदा है जो उसका मान गुआचिया जाता है। मैं आपको ये बेनती करनी चाहना तो थोड़ा ध्यान नाल इसनों सुनना, बेटे दे मन दे च बाप का मान ही ना होवे, ते कई बारी बेटे दे मन दे च शक पै जाता है ये मेरा बाप है भी सही या नहीं। जिस बाप दी इज्जत कोडियों खोटी होवे, जिस बाप दे उते लोकी तोमता लां, कोई बेटा उस बाप नाले जुड़न दी कोशिश करेगा? दूजी गल भी समझना, थोड़ा जिहा ध्यान मेरे पासे देना। जे किसी बेटे की इज्जत ना होवे, बेटे की कोई इज्जत ही ना होवे, तो बाप उस दे नाल जुड़ेगा? ये जेड़े रोज दिहाड़ी कानूनी इश्तियार छपदे हैं अखबारां दे च, जिथे बाप लिखवा देंदा है, वेखो कैसा कमाल है। जिस बेटे दे वास्ते पीर फकीर मनाए, तुस थोड़ा जिहा अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, इत्थे बैठोगे तुहानूं समझ पाएगी। तो रोज दिहाड़ी अखबारां दे च एक कानूनी इश्तियार छपदे हैं, इस बेटे नाले मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बेटा जिस दे वास्ते पीर फकीर मना ले, जिस दी प्राप्ति दे वास्ते पता नहीं कैसे कैसे धक्के खा ले, जिस बेटे नू पाल पोस के वड्डा करन लई मेहनत मजदूरी कीती, कोई बाप अखबारां दे ही दे देंदा है।
इस बेटे नाले मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों, किस वास्ते? उसकी एको वजह है, बेटे दे उत्ते मान गुआचा गया, वो इतना बेस्ता हो गया, इतना निकम्मा हो गया, इतना कोडियों खोटा हो गया, बाप नू उस नाल जुड़ने च कोई फखर ही नहीं आता। तो जिसका माण होंदा है उसे नाले जुड़न दा आदमी नू रस बनता है, जिसका माण गुआचिया जाए उस नाले ना आदमी जुड़दा है ना उसकी गल सुनता है। बड़े चिरां तो एक व्योंत बंदी दे नाल जेड़ा माण सिख गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते करदा रहा है, बड़े लोकां ने साडा माण तोड़न दी कोशिश कीती है। साडा एक सब तो वड्डा माण है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ही इस जगत दे च सब तो ज्यादा प्रमाणिक है। मैं थोड़ा जहा वनगी मातर आपनों कहना चाहना, क्योंकि 300 साल पूर्व गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरियाई मनाने वास्ते पिछे बैनर्स लगे हुए हैं। जीसस क्राइस्ट ने अपने हथी बाइबल का एक भी अक्षर नहीं लिखिया, एक भी। 13 चेले सन, ते जीसस क्राइस्ट नू लभ रहा सी पायलट नाम का वो बादशाह यहूदी जो मारना चाहता सी। तो एक जगह ते जाके उदास होके हजरत ईसा अपने 13 चेलियां नू कहन लगा, कल तुहाडे चो एक आदमी मैनू पकड़वाएगा, ते बाकी दे 12 खामोश होके उसकी गवाही दे देंगे। तो जूडास नां दे चेले ने 13 चेले सन, ते 13 दी गिणती दा वहम ईसाइयत दे उदों दा पया होया है, क्योंकि 13 चेले सन। एक ने जीसस क्राइस्ट बारे ईसा बारे कहा ये ईसा है, ते 12 कोल जदों पुछया तुसी